घरों में जितनी भी गाड़ियां आपको दिखाने वाला हूँ ना आज की इस वीडियो में, सभी बढ़िया कंडीशन में होंगी, चाहे मॉडल आप कोई सा भी देख लो। रियर से भी मैं आपको ये गाड़ी दिखा देता हूँ, 30,000 के करीब ये बलिनो चली हुई है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2014 का मॉडल है, डीजल इंजन है, लेकिन इंटीरियर आप देख लो है ना बढ़िया कंडीशन में। नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, मेरा नाम अंकुश और आज की अपनी इस वीडियो में हम लग्जरी मोटर्स के अपग्रेडेड स्टॉक को शूट करने वाले हैं। काफी देर के बाद लग्जरी मोटर्स की वीडियो आने वाली है और वीडियो काफी धमाकेदार रहने वाली है। आपको यहां पे एसयूवी से लेके एमपीवी, हैचबैक और सेडान हर एक गाड़ी का जो स्टॉक होगा वो यहाँ मिल जाएगा। शुरुआत जो करेंगे वो हम इनोवा क्रिस्टा से करेंगे। 2020 का मॉडल रहने वाला है ये गाड़ी एंड डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। बाकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। कंपनी फिट अलॉय व्हील्स है, टायर्स की कंडीशन भी आपको लगभग 70% के करीब रियर के टायर्स मिल जाएंगे, फ्रंट के 80% के करीब। बाकी थोड़ा यहाँ रोड का काम लगा हुआ है ना तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है यहाँ से, बाकी फ्रंट के लुक्स आप यहाँ से देख लो। और इंटीरियर से भी दिखा देता हूँ मैं आपको ये गाड़ी, यहाँ से आप चेकआउट कर लो इस गाड़ी का इंटीरियर। सबसे बढ़िया पार्ट जो लगा है मुझे इस गाड़ी के सीट कवर्स के कलर कॉम्बिनेशन हैं, बाकी मैटिंग वगैरह प्रॉपर इस गाड़ी में हो रखी है और 2.4 लीटर का डीजल इंजन है। बाकी इंटीरियर से आप चेकआउट कर लो एंड 63,000 के करीब ये गाड़ी जो है वो अपनी रनिंग कम्प्लीट कर चुकी है। अगर रियर की सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, बाकी थर्ड रो सीट्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड गाड़ी जो है इंटीरियर से और एक्सटीरियर से बढ़िया और नीट एंड क्लीन कंडीशन में आपको मिल जाएगी। जम्मू रजिस्टर्ड ये गाड़ी है एंड डिमांड की बात करें तो 20.5 लाख रुपए की इस इनोवा की डिमांड है। बाकी इसमें नेगोशिएशन जो होगी वो आपको मिल जाएगी। गाड़ी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये गाड़ी को छोड़कर जितनी भी गाड़ियाँ हैं हर एक गाड़ी जो होगी बढ़िया कंडीशन में आपको यहाँ मिल जाएगी। एडिशन में यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह भी आपको मिलने वाले हैं। अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी जगह की दिक्कत है, बिकॉज रोड का काम लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से इन्होंने गाड़ियाँ थोड़ी कट्टी कट्टी खड़ी कर दी हुई हैं। बाकी बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, एक्सयूवी 5W रहने वाली है, 2014 का मॉडल है ये गाड़ी और ऑल व्हील ड्राइव रहने वाली ये गाड़ी एंड जम्मू रजिस्टर्ड ये गाड़ी है और अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी भी एक्सटीरियर से। एंड अगर रनिंग की बात करें तो 1,05,000 के करीब ये गाड़ी अपनी रनिंग कंप्लीट कर चुकी है। चलिए अब इसका इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं। सो इंटीरियर से भी आप चेकआउट कर लो। गाड़ी की रनिंग की मैंने बात करी कि 1,05,000 चलिए, बट फिर भी आप गाड़ी का इंटीरियर देख लो, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन है और मॉडल के हिसाब से भी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों से। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, ये गाड़ी जो है ऑल व्हील ड्राइव की फैसिलिटी के साथ आपको मिल जाएगी। और डिमांड की बात करें तो 6,75,000 रुपए की इस गाड़ी की डिमांड है, बाकी इसमें नेगोशिएशन आपको मिल जाएगी। एंड नीचे लग्जरी मोटर्स के ऑनर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उनको कॉल कर सकते हो, डेफिनेटली वो भी आपको असिस्ट कर देंगे हर एक गाड़ी की जानकारी के रिलेटेड। अगर किसी को फाइनेंस की फैसिलिटी भी चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अगली गाड़ी अगेन एक्सयूवी 5W हो ही रहने वाली है, बट ये गाड़ी जो है 2019 का मॉडल है, ये गाड़ी 2014 का मॉडल थी और W9 ऑप्शन के साथ है ये गाड़ी, वेरिएंट है ये, और 95,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है और व्हाइट कलर रहने वाला है इस गाड़ी में। बाकी कंपनी साइड से अलॉय व्हील्स आप चेकआउट कर सकते हो, टायर्स वगैरह सब बढ़िया कंडीशन में आपको मिल जाएंगे। इंटीरियर में लेके चलता हूँ मैं आपको, बाकी यहाँ से आप चेकआउट कर लो इस गाड़ी का इंटीरियर। तो ये भी गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में है, हालांकि ये गाड़ी जो है 2019 का मॉडल है। रनिंग की बात करें 95,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है और 14.5 लाख रुपए की इस गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी ये जो है ये उधमपुर रजिस्टर्ड आपको गाड़ी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, बलेरो रहने वाली है और ये गाड़ी सांबा रजिस्टर्ड है, सांबा के लोग काफ़ी डिमांड करते हैं गाड़ियों की बलेरो जैसी। 2020 का मॉडल है और B6 ऑप्शनल वेरिएंट है और BS6 नॉर्म्स के साथ ये गाड़ी जो है आती है। एंड रनिंग की बात करें तो 49,000 के करीब ये गाड़ी अपनी रनिंग कम्प्लीट कर चुकी है। मैं आपको इंटीरियर से दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आप गाड़ी का जो है सेकंड रो सीट चेकआउट कर लो, थर्ड रो सीट्स हैं और यहाँ से फ्रंट से आप चेकआउट कर लो गाड़ी। ये भी एक्सटीरियर और इंटीरियर से अच्छी कंडीशन है, हालांकि ये गाड़ी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल के साथ है। 49,000 के करीब ये बलेरो जो है वो चली हुई है एंड टायर्स वगैरह सभी इस गाड़ी के बढ़िया कंडीशन में है और 9,80,000 रुपये की इस बलेरो की डिमांड है, बाकी इसमें भी नेगोशिएशन मिल जाएगी। सांबा रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। अगली गाड़ी जो है जीप कंपस है, अगर मॉडल की बात करें तो 2017 का मॉडल है, ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है
सेकंड चीज है जम्मू रजिस्टर्ड है और डीजल इंजन के साथ ही ये गाड़ी जो है आपको मिल जाएगी लग्जरी मोटर्स में एंड 59,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है। और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो तो इस गाड़ी के टायर्स की कंडीशन सब बढ़िया कंडीशन में है। रिक्वायर सेंसिंग बटन वगैरह बट इंटीरियर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इंटीरियर से भी ये गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया लगा और इंटीरियर से ये गाड़ी काफी अच्छी कंडीशन में मिलने वाली है। जितनी भी गाड़ियां हैं सभी वेल मेंटेन है, सब बढ़िया कंडीशन में है। ब्रीजा की आपके दो दो स्टॉक मिल जाएंगे सिडान में, स्विफ्ट डिजायर, तो आप बने रहे इस वीडियो में। अगली गाड़ी जो है क्रेटा है। इस क्रेटा में जाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी चीजें बता देता हूँ। जैसे इसमें ना रेयर के लैम्प्स जो होंगे वो आपको यहाँ पे मॉडिफाइड मिलेंगे एंड यहाँ से आप चेकआउट कर लो। जम्मू रजिस्टर्ड ये गाड़ी है, 2017 का मॉडल है, SX ऑप्शनल टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट जो आता था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये गाड़ी जो है 1.6 लीटर डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। रनिंग की बात करें तो 91,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है। बाकी ब्रिजस्टोन के यहाँ टायर्स होंगे, बाकी टायर्स ना सभी बढ़िया कंडीशन में मिल रहे हैं आपको। और यहाँ से आप चेकआउट कर लो ये इंटीरियर से, सीट्स वगैरह प्रॉपर 70 मैटिंग वगैरह हो रखी है। टायर की बढ़िया कंडीशन का मतलब मेरा ये रहता है कि 70% तक आपको माल जो होगा इन गाड़ियों के इन टायर्स में मिल जाएगा। बाकी ये कुछ बाकी कोशिश करता हूँ मैं आपको ना फ्रंट से दिखाने की। फ्रंट से भी आप चेकआउट कर लो एक क्रेटा को। ये जीप कंपस थी और वो बुलेरो, बिकॉज फ्रंट में ना यहाँ पे रोड का काम लगा है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है मुझे सभी गाड़ियों को फ्रंट से दिखाने में। और रियर से तो खैर मैंने आपको दिखा दिया। और अगर इस गाड़ी की डिमांड की बात करें तो 10,25,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है। हाँ, यहाँ पे ना आपको नेगोशिएशन मिल जाएगी सभी गाड़ियों के रेट्स पे। लग्जरी मोटर्स के ऑनर का नंबर नीचे मेंशन है, आप उनको कॉल कर देना। अगली गाड़ी वरना है, 2013 का मॉडल है और ये गाड़ी जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.6 लीटर डीजल इंजन के साथ अवेलेबल और SX वेरिएंट रहने वाला है। बाकी ये कुछ इस गाड़ी के रेयर के लुक्स है। 82,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है और इस गाड़ी के भी टायर्स वगैरह सब बढ़िया कंडीशन में मिल जाएंगे। मैं एक बार आपको इंटीरियर से दिखा देता हूँ ये गाड़ी, सो यहाँ से चेकआउट कर लो। 2013 का मॉडल है और 82,000 चली है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी की कंडीशन देख लो, सब बढ़िया है। और अगर इस गाड़ी की डिमांड की बात करें तो 5,00,000 रुपये की डिमांड है, बाकी नेगोशिएशन यहाँ पे भी है। अगली गाड़ी जो है वो डिजायर है, 2015 का मॉडल है और ये गाड़ी जो है डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है और जम्मू रजिस्टर्ड ये गाड़ी है और 78,000 के करीब ये चली हुई है और 4,85,000 की इस गाड़ी की डिमांड है। बाकी एक बार आप इस गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट कर लो, अच्छी कंडीशन में है। इसी के साथ अमेज है, 2015 का मॉडल है बट ये गाड़ी जो है पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। IVTEC और उधमपुर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। बाकी ये कुछ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के लुक्स है एंड 62,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है और 4,35,000 की इस अमेज की डिमांड है। मैं एक बार इंटीरियर भी आपको दिखा देता हूँ। इंटीरियर से भी है, अच्छी कंडीशन में ही है। सो ये थी इनकी एक रो गाड़ियों की। अब चलते हैं कुछ और गाड़ियों की तरफ। अगली गाड़ी जो है ब्रीजा, मेरे ख्याल से ये गाड़ी जो है वो सेल आउट हो चुकी है तो उसकी डिटेल्स आपको बताने का फायदा नहीं है। अगली ब्रीजा की तरफ चलते हैं। ये गाड़ी जो है 2019 का मॉडल है, डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है बट ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एडिशन में यहाँ पे ना आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे प्लाटी के और ब्रॉड टायर्स का यहाँ पे यूज हुआ मिलेगा। बाकी अगर फ्रंट के लुक्स की बात करें तो यहाँ से आप चेकआउट कर लो इस गाड़ी के। और 58,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है, 8,80,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है। यस, नेगोशिएशन यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिखाने वाला हूँ ना आज की इस वीडियो में सभी बढ़िया कंडीशन में होंगी, चाहे मॉडल आप कोई सा भी देख लो। और यहाँ से चेकआउट कर लो, अच्छी कंडीशन में है ये गाड़ी। अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, बलिनो है। ये गाड़ी 2021 का मॉडल है, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, और ये गाड़ी कठुआ रजिस्टर्ड है। बाकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से आप चेकआउट कर लो। रियर से भी मैं आपको ये गाड़ी दिखा देता हूँ, 30,000 के करीब ये बलिनो चली हुई है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और CVT ट्रांसमिशन जाने की मैं मोटा मोटा बता दूँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी मिलने वाली है आपको। और विंडो पैनल, बाकी इंटीरियर से आप चेकआउट कर लो, अच्छी कंडीशन में है गाड़ी। और 8,30,000 रुपये की इस बलिनो की डिमांड है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें टिंटेड ग्लास आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ रियर के लुक्स भी आप चेकआउट कर सकते हो उस गाड़ी के। और अब चलते हैं स्विफ्ट डिजायर की तरफ। यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, ये सभी गाड़ियों को हमने कवर किया। अभी क्या है कि रोड का काम है तो ये इनकी खाली डिस्प्ले वाली गाड़ी है,
अभी इनके जार में या इनके पाइपलाइन में कुछ और भी गाड़ियाँ रहती हैं, उसकी क्वेरी के लिए ना आप ऑनर को कॉल कर देना, वो आपको असिस्ट कर देंगे। बिकॉज आज थोड़ी बारिश भी है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि उस सभी स्टॉक को कवर करें, बट आपके लिए ये वीडियो ला रहे हैं हम। अगली गाड़ी अगेन डिजायर है, 2014 का मॉडल है। अगेन ये गाड़ी जो है डीजल इंजन में है, और गाड़ी ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों से बढ़िया कंडीशन में मिल जाएगी, और 82,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है, और 4.5 लाख रुपए की इस डिज़ायर की डिमांड है। और अभी मेरे को ना मेरे लिए थोड़ा अंदर जाना दिक्कत है इस गाड़ी में, बिकॉज ये बड़ी ऑड सी जगह पे लगी हुई है, बट फिर भी मैं आपको एक बार इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ से आप चेकआउट कर लो इस डिज़ायर का इंटीरियर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2014 का मॉडल है, डीजल इंजन है, लेकिन इंटीरियर आप देख लो है ना बढ़िया कंडीशन में। तो यही चीज़ है, बाकी रेट मैंने आपको बता दिया 4.5 लाख, नेगोशिएशन इसमें मिल जाएगी। और अभी कुछ और गाड़ियाँ भी है, और अगली गाड़ी जो है वो है अपनी i10, 2013 का मॉडल है ये गाड़ी, और पेट्रोल इंजन में स्पोर्ट्स वेरिएंट है। मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से चेकआउट कर लो, ये भी गाड़ी इंटीरियर से अच्छी कंडीशन में, फ्रंट की सीट्स आपने चेकआउट कर ली, रियर की सीट्स आप देख लो, स्पॉइलर मिल जाता था इंटीग्रेटेड कंपनी की साइड से, वाइपर वॉशर डिफॉगर की फैसिलिटी, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था स्पोर्ट्स में इस i10 में। 60,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है, और 2,75,000 की इस गाड़ी की डिमांड है, बाकी यस यहाँ पे भी नेगोशिएशन आपको मिल जाएगी। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट गाड़ी की तरफ, जो कि है महिंद्रा की XUV 300 W8 वेरियंट है विद डीजल इंजन, जम्मू रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस गाड़ी में लगी है अलॉय व्हील्स, जो कि इस गाड़ी के प्रीवियस ओनर द्वारा लगाए गए हैं। अलॉय व्हील्स काफ़ी बढ़िया है, प्लाटी के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। टोटल वॉक राउंड दे रहा हूँ मैं आपको इस गाड़ी का, बिकॉज गाड़ी ये काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। और अगर मॉडल की बात करें तो 2019 का मॉडल है, बाकी ये गाड़ी ना ड्यूल टोन में आपको मिल जाएगी, हालांकि ये कस्टमाइज्ड है, जो इसके प्रीवियस ओनर थे उन्होंने कस्टमाइज करवाई थी। रूफ जो है इसका ब्लैक करवाया, पियानो ब्लैक फिनिश में, और यहाँ से आप चेकआउट कर लो, अच्छी कंडीशन में है। रनिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ 47,000 के करीब है, और अगर डिमांड की बात करें तो मात्र 10 लाख रुपए की इस गाड़ी की डिमांड है, बट यस यहाँ पे भी आपको नेगोशिएशन जो होगी वो मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, सो यहाँ से चेकआउट कर लो आप। इस गाड़ी का ना डीजल इंजन काफ़ी बढ़िया था, मतलब उस बड़ा हैवी टॉर्क था उसमें, 300 के करीब वो टॉर्क जनरेट करता था। एक बार मैंने भी इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रखी है, काफ़ी बढ़िया इंजन लगा था मुझे। और ये कुछ आप इंटीरियर से चेकआउट कर लो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है ये गाड़ी, मतलब अगर आप एक बार देखना चाहते हो ना कुछ सेकंड हैंड कार बाज़ार में कहीं अच्छी कंडीशन में गाड़ी, तो आप इसको ज़रूर विज़िट कर सकते हो, अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी। और डिमांड वगैरह मैंने आपको बता दी, 10 लाख रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है, नेगोशिएशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो लग्जरी मोटर्स के स्टॉक पे, और मतलब काफ़ी बढ़िया स्टॉक था, हर एक तरह की गाड़ी आपको यहाँ मिल जाएगी, हर एक सेगमेंट की गाड़ी आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा फाइनेंस की फैसिलिटी और ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी ये अपने इनसे करके दे देंगे। और अगर कोई और क्वेरी है किसी और गाड़ी के लिए रिलेटेड, तो आप लग्जरी मोटर्स के ऑनर को कॉल कर सकते हो, डेफिनेटली वो आपको असिस्ट कर देंगे आपकी अगर कोई भी इसी क्वेरी होगी। और आज के लिए बस इतना ही है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो किस तरह की लगी है, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।